गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुबह के बज चुके हैं लगभग 10. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आई एम बैक अगेन विद अनदर व्लॉग. तो आज आपको ले चल रहे हैं हम गुलमर्ग बर्फ दिखाने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस अभी मैं अपने एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ उसके घर के बाहर. निकलेंगे आप, पता नहीं क्या तैयार हो रहा है वो. तो चलिए आज आपको उससे भी मिलवाते हैं. तो फिलहाल तो वेट ही कर रहे हैं यार. लेट्स सी. गाइज आज हम दूसरे रास्ते से गुलमर्ग जा रहे हैं. पहले जो ब्लॉग मैंने डाले हैं उसमें हम नारबल से गए थे. आज हम जा रहे हैं चंदूसा वाले रास्ते से. ये वाला रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. थोड़ा क्लोज बहुत ज़्यादा है मगर रास्ता पूरा साफ है यहाँ से. तो आगे देखते हैं कैसा रहेगा रास्ता. गाइस ये रोड तो एकदम बढ़िया है, मतलब पूरा मैग्नमाइज्ड है, एकदम साफ रोड है. मगर इस रोड पर यही जैसा मिलेगा और कर्व्स बहुत है यहाँ से, मतलब तुम हाई स्पीड पर नहीं चला सकते रोड पे. बाकी व्यू तो बहुत बढ़िया है यहाँ से. तो यहाँ से थोड़ी धुंध पड़ी हुई है. अभी हम चंदूसा से आगे कलंतरा क्रॉस किया हमने. तो यहाँ से व्यू बहुत सही है, यहाँ से इस वाले रोड से व्यू बहुत सही है. पूरी फॉग पड़ी हुई है, यहाँ से एकदम बढ़िया व्यू आ रहा है. हाँ बाबा ऋषि कितने दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर. तो गाइस लगभग आधा रास्ते तो हमने क्रॉस कर लिए. अभी हम बाबा ऋषि पहुंच चुके हैं. यहाँ पे ऊपर जाके ये बाबा ऋषि है. यहीं से ऊपर जाते हैं या वहाँ से? यहाँ से ऊपर जाते हैं ना. यहाँ से ऊपर जाके बाबा ऋषि, यहाँ से ऊपर जाके बाबा ऋषि. तो यहाँ से गुलमर्ग जाते हैं ऊपर जाके. तो गाइस अभी हम टंगमर्ग पहुंच गए हैं. अब हम गुलमर्ग की तरफ, मतलब गुलमर्ग का रास्ता स्टार्ट हो गया है. बर्फ का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे. हमारे साथ तो मजाक हो गया. उम्मीदें तो हमें बड़ी थी या बर्फ होगी, मगर कुछ नहीं, बर्फ तो है ही नहीं टोटल यहाँ. तो अब देखते हैं अगर ऊपर गुलमर्ग में हमें बर्फ मिली. लेट्स सी. तो गाइस ये गुलमर्ग के रास्ते में कुछ हवा खातून व्यू पॉइंट आता है. हम भी पहली बार देख रहे हैं लाइक यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुलमर्ग की. तो लेट्स सी ऊपर जाके देखते हैं क्या है यहाँ पर. तो गाइस ये हम हबा खातून व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं. कुछ अच्छा ऐसा व्यू है यहाँ से. ऑल्टो. तो गाइस पहले तो गाड़ी ऊपर आ नहीं रही थी मगर हमने अपनी स्कॉर्पियो पर चढ़ाई तो एक्सप्रेस वाले भाई को कुछ फील हो गया. तो वो भी अब अपनी गाड़ी लेके ऊपर आ गया. गाइस हमें तो लगा था गुलमर्ग में इस टाइम बर्फ पड़ी होगी. तो बर्फ का नामो निशान ही नहीं है गुलमर्ग में. गाइस सरप्राइज, हमारे साथ तो मोए मोए हो गया. गाइस ये क्या है भाई, हम तो रेगिस्तान में आ गए. तो गाइस गुलमर्ग तो हम पहुंच गए हैं और बर्फ का नामो निशान नहीं है यहाँ. सेकंड फेज पे ही सिर्फ बर्फ है. तो देखते हैं अभी जाते हैं गंडोला की तरफ, अगर मतलब अवेलेबल हुआ तो जाते हैं गंडोला पे. सेकंड फेज जाते हैं क्योंकि बर्फ तो देखनी है आज. और देखते हैं, डिपेंड करते हैं गंडोला पे, लाइक अगर अवेलेबल हुआ तो देखते हैं. गुलमर्ग में बर्फ के नाम पर सिर्फ ये बर्फ है जो अभी बची है यहाँ पे. तो लाइक स्नोफॉल तो हुआ है यहाँ पे मगर वही है अभी, मतलब पिघल चुकी है बर्फ सारी. आज गुलमर्ग में हमने कुछ नई चीज़ डिस्कवर की है. लाइक आपको ये दिख रहा है ना,
किसी की ग्रेव है, तो उसका नाम था एल्फ्रेड विलियम, प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज, एंड ही डाइड इन 1902, जस्ट 100 साल, लगभग 100 साल पहले। यहाँ पे मुझे लगता है एक ही ग्रेव यार्ड है पूरे गुलमर्ग में, मुझे लगता है एक ही यही ग्रेव यार्ड है, और ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, व्हेन इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, उस टाइम का ये ग्रेव यार्ड है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नॉर्थ इंड कैफे, तो ये मेरा दोस्त है साथ में अंदान, तो ये नॉर्थ इंड कैफे भी अपने दोस्त का ही है सेठा का, तो अंदर जाते हैं कुछ खाते हैं। अपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है हमें आज, तो अभी हम वहाँ पे गए थे गंडोला का पता करने, तो टिकट्स भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, आज की टिकट्स तो अवेलेबल नहीं है, वैसे वही चक्कर होता है कि मतलब एक दो हफ्ते पहले तो हमें बुकिंग करनी पड़ती है, तो हमें तो लगा था मतलब नीचे ही बर्फ़ होगी, मगर आज इस बार तो बर्फ़ ही नहीं है कहीं। अभी गुलमर्ग से तो हम निकल गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं दरंग की तरफ बिना बर्फ के, गुलमर्ग से निकल चुके हैं डिसअपॉइंटमेंट के साथ, स्ट्रिक्ट डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसअपॉइंटमेंट, इतनी डिसअपॉइंटमेंट। एक्सप्लेन कीजिए। आज तक मेरे को जिंदगी में कभी नहीं हुई, अपने पैदा होने पे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, पैदा होने पे भी नहीं हुई थी, यही तो बात है, तभी बोल रहा हूं। वही तो यार, चलिए दरंग ही जाके देखते हैं, दरंग में भी व्यूज बढ़िया होते हैं, वहाँ पे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ पे हम जाएंगे देखते हैं। पिछली बार हम हाफ तो गए थे, इस बार हम पूरा जाएंगे।